हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विद्रोह विभाग हुआ करोड़पति, कोरोना काल में विद्रोह चोरी करने वालों पर कसा शिकंजा, करोड़ों रुपए की लगाई पेनल्टी। कोरोना संक्रमण के दौरान लोग घरों में जरूर रहे, लेकिन कुछ लोगों ने जमकर बिजली की चोरी ऐसे की, कूलर व पंखे की हवा ली और रोशनी भी बिजली से चोरी की। ये खुलासा डिस्कॉम के सामने अब आ रहे आंकड़ों से हो रहा है। इसमें चौंकाने वाली बात सामने आई है, पाली जिले के उपभोक्ताओं ने लॉकडाउन के दौरान रोजाना 11 लाख रुपए की बिजली चोरी की। इससे डिस्कॉम डिपार्टमेंट को भारी नुकसान पहुंचा है। इधर इन बिजली चोरों की जानकारी मिलने पर अब डिस्कॉम ने आनन फानन में इन्हें पकड़ना शुरू किया है। हालांकि बिजली चोरी से हुए नुकसान की भरपाई होना मुश्किल है। बिजली खपत रोजाना 46 लाख यूनिट, इनमें से 1.84 लाख यूनिट बिजली चोरी। डिस्कॉम की माने तो पाली जिले में लॉकडाउन के दौरान रोजाना करीब 46 लाख यूनिट की बिजली खपत हो रही थी। इसमें से 12% से अधिक बिजली छिजत थी, 8% छिजत तकनीकी कारणों की मानी जा रही है, शेष 4% छिजत यानी 1.84 लाख यूनिट बिजली रोजाना बिजली चोरी हो रही थी। 6 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से जोड़ा जाए तो रोजाना करीब 11 लाख रुपए की बिजली चोरी उपभोक्ताओं ने की, जो एक बड़ा आंकड़ा है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए घनश्याम चौहान, जिला अधिकारी विद्युत विभाग वितरण जोधपुर, इन्होंने ये कहा। पाली जिले में लॉकडाउन के दौरान विद्युत की खपत 18 से 19% कम हुई, लेकिन डोमेस्टिक खपत बढ़ गई। लोग बाग इंडस्ट्रीज वगैरह बंद रही है, इस कारण से इंडस्ट्री और जो कमर्शियल एक्टिविटी थी वो बंद होने के कारण उनकी खपत में कमी हो गई, लेकिन लोग घरों में बंद रहे इस कारण से घरों की खपत, विद्युत खपत बढ़ गई। साथ ही गर्मी बढ़ने के साथ में लोगों ने विद्युत चोरी की भी, मतलब अपनी एक तरह से बिजली चोरी की बिजली की काम में लेके बिजली चोरी कम करने का प्रयास किया। हमें चोरी की सूचना मिलने पर अपन ने विशेष निगम प्रशासन के निर्देशानुसार, राज्य सरकार के निर्देशानुसार चोरी के पकड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू किया। 1 जून से अभियान शुरू करके अपन ने लगभग 2965 चेकिंग की, जिसमें से 793 थेफ्ट आइडेंटिफाई हुई है, उसमें 793 उनके कनेक्शन काटे गए। इन सबके थेफ्ट के अगेंस्ट और जो अन्य प्रकरण है उसके अगेंस्ट 1,68,00,000 का अपन ने असेसमेंट राजस्व का आकलन किया, उसके एवज में 40 लाख रुपए अपन ने वसूल भी कर लिए हैं और 39 FIR पुलिस में अपने ATPS दर्ज किए गए, उनकी भी वसूली की कार्रवाई की जा रही है। जागरूक टीवी के लिए पाली से हस्तपाल सिंह की रिपोर्ट।